गुड मॉर्निंग राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उच्चतर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और सुबह के टाइम में जैसे कि जो भी रूटीन मेरी रहती है सुबह की, और हल्का हल्का देखिए कोहरा पड़ रहा था, आपने अभी देखा था, हल्का हल्का कोहरा पड़ रहा था। और इंडक्शन पे मैंने रख दिया दूध गर्म करने के लिए, गाजर आलू और मटर की सब्ज़ी बना ली, वो गैस पर छौंकने के बाद में है ना, और दूध हो जाएगा तभी मैं रख दूँगी उसे इंडक्शन पर, सब्ज़ी इंडक्शन पर रख दूँगी तो वो बनती रहेगी। यही आटा लगा दिया है, पूजा पाठ भी मेरी हो चुकी है, और यही है ना, मैंने मशीन लगा दी थी आटा वगैरह लगाने के बाद में, मशीन लगा दी थी। और देखिए दूध मैंने रख दिया है गैस पर गर्म होने के बाद में, और सब्जी रख दी है इंडक्शन पर, और कपड़े भी थोड़े ज़्यादा ही हो गए थे क्योंकि इस मौसम में ना कपड़े थोड़े ज़्यादा ही हो जाते हैं, कितना भी कोशिश करो फिर भी। और ये देखिए ये रक्षित सो रहा था और इसे ना दूध पीना था, तो इसने सोचा मैं इसे बोतल भर के दे रही हूँ दूध की, सोते सोते ही पी लेता है, दूध वाली बोतल जो भर के दे देती हूँ, तो इसने सोचा था मैं ना इसकी दूध की बोतल दे दी है मैंने इसे। तो वैसे ही सभी काम से फ्री होने के बाद में देखिए मैंने इस तरीके से कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही थी, हल्का हल्का कोहरा था इसलिए, और कुछ कपड़े बाहर थे और कुछ मैंने बाहर इस तरीके से पायदान वगैरह डाल दिए थे। देखिए कोहरा देखिए किस तरीके से है, और उधर स्कूल नहीं गया था क्योंकि उसे हल्का हल्का फीवर लग रहा था इस वजह से। उसके बाद में देखिए धूप निकल आई थी, करीब 12:30 का टाइम है, धूप निकल आई थी, तो मैंने ना इस तरीके से कपड़े डाल दिए थे बाहर, बेडशीट डाल दी है, और धीरे धीरे सभी कपड़े सुखा करके रख दूँगी। और देखिए हमने बड़े गमले में है ना अपने फूल लगा दिए, ये वही वाला पौधा है जो मैं छोटा सा लेकर के आई थी द्वारका देश से, पिंक वाले जो फूल आते हैं। इस तरीके से बेडशीट वगैरह थी वो सूख चुकी हैं, और ये मैंने पैंट वगैरह है तो मैंने इस तरीके से कपड़े डाल दिए थे। इधर मम्मी बैठी, पोशाक भी मैंने डाल दी थी सुखाने के लिए। ठाकुर जी की पोशाक मैं अलग पानी में धुलती हूँ, एक साथ नहीं धुलती हूँ, इनका पानी मैं अलग छोटी सी बाल्टी है उसमें हल्का सा सर्फ डालती हूँ, डिटॉल डालती हूँ, और फिर पोशाक उस पानी में निकाल करके मशीन में निकाल देती हूँ, मतलब ड्राई कर देती हूँ। और यही पोशाक रखी हुई थी तो मम्मी ने एक एक करके पोशाक देख रही थी, मम्मी कह रही थी कि पोशाक कितनी सुंदर सुंदर बना रखी है। मैंने मम्मी की लड्डू गोपाल जी के भी लिए पोशाक बनाई है, और वो है ना आपने अभी दो दिन पहले एक दिन पहले वीडियो देखी थी मेरे है ना, जो जहाँ गुड्डे वगैरह रखे हैं ना, एक लड्डू गोपाल हैं तो वह छोटे से और रखे हुए हैं, तो वो है ना मम्मी के हैं, सासू मम्मी के हैं वो वाले लड्डू गोपाल जी। और मम्मी को सभी पोशाक पसंद आई थी, एक एक करके सब देख रही थी, और ये बटरफ्लाई वाली तो बहुत अच्छी आई थी, परी वाली सुंदर है, अच्छी लग रही है, परी वाली है। तो मम्मी को परी वाली पोशाक बहुत अच्छी लगी थी, और यही मैं करने लगी थी प्रेस, क्योंकि फिर कपड़े सीलन सीलन से हो जाते हैं इस वजह से, तो कपड़े जैसे सूखते जा रहे थे ना बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह, तो उन पर मैं प्रेस करके रखती जा रही थी जिससे कि मेरा भी काम जल्दी से हो जाए और मैं भी अपने काम से फ्री हो जाऊं और ढेर भी ना हो कपड़ों का। तो इस वजह से है ना साथ के साथ जैसे कपड़े सूखते जा रहे थे वैसे ही मैं साथ के साथ अब बच्चों के कपड़ों पर प्रेस करती जा रही थी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उषा तमर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मशीन लगाई थी सुबह, तो कपड़े सूख रहे हैं अभी,
इतने सारे कपड़े सूख गए हैं, मतलब अभी कुछ बाहर पड़े हैं जो मैंने अभी आपको दिखाए थे थोड़ी देर पहले, कुछ कपड़ों पे मैंने प्रेस कर अभी रह गए हैं कपड़े, अभी कल की लाइट चलेगी, लाइट आएगी जब पर प्रेस प्रेस के लिए। देखिए अभी ये कपड़े रह गए हैं, ये मेरा सूट रह गया है क्योंकि सूट मैंने सिल करके ऐसे ही पहन लिया था, प्रेस नहीं करी थी, और जो पहन रखा है ना इस पर भी प्रेस नहीं करी है, ये भी ऐसे पहन लिया। बताना कैसा लग रहा है ये मेरा गर्म सूट है, ये भी सूख गया है, ये भी प्रेस के लिए है। कपड़े उतार देते हैं हम अपने, जो हमने सुखाने के लिए डाले हैं ना वो कपड़े हम उतार लेते हैं। नहीं गीली है इसे कौन? अच्छा इसे वैसे करके डालूंगी अभी, हैं टॉवल गीली है मैंने, ये भी सूंगी इतना इसकी, वो सॉरी सैंडो बन गया, पजामी भी सूख गई। रक्षित रक्षित गया है आज टूर पर पिकनिक, रक्षित गया है पिकनिक। कपड़े हैं बहुत ज़्यादा सूखने के लिए, लाइट आ गई क्या? आगे आगे दिखे प्रेस करूँ मैं, जो कपड़े रह गए हैं थोड़ी सी। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned to first stand with you. Thought it